तो डिस्टेंस टोटल हुई हमारी 80 मीटर। तो इसी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो 0 आ रहा है और डिस्टेंस निकालते हैं तो 80 आ रहा है। यस डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। 11th क्लास का जो शुरू किया था इससे पहली वीडियो में काइनेमेटिक्स, उस काइनेमेटिक्स के टॉपिक में हमने पढ़ा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस हमने पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड हमने पढ़ी थी, एवरेज स्पीड का डेरिवेशन हमने कर लिया था। आज हम पोजीशन और टाइम के बीच ग्राफ की स्टडी करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स हम ड्रॉ करेंगे और उनसे जो रिजल्ट मिलने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो उनका शुरू करते हैं। सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ। मोशन के बारे में पढ़ा था कि जब किसी बॉडी की मोशन टाइम के साथ वेरी करती है, चेंज होती है, तो वो बॉडी मोशन में होती है। तो ये पोजीशन टाइम के साथ किस तरह से चेंज हो रही है वो ग्राफ से शो करना है। तो पहले अगर बॉडी रेस्ट में हुई तो फिर उसका ग्राफ कैसे आएगा, तो फर्स्ट जो ग्राफ हम खींचने जा रहे हैं वो है व्हेन बॉडी एट रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट में है तो टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, यानी अगर एक टेबल हम ड्रॉ करें कि टाइम के साथ हम उसकी पोजीशन, टाइम को टी से और पोजीशन को एस से मैं डिनोट करूं, तो टाइम को हम 5-5 सेकंड से बढ़ाते जाते हैं। मान लीजिए वो बॉडी हमसे 10 मीटर डिस्टेंस पे थी जब हमने घड़ी स्टार्ट की 0 टाइम पे, उस टाइम 10 मीटर डिस्टेंस पे, 5 सेकंड बाद भी वो 10 मीटर पे ही है, 10 सेकंड बाद भी, 15 सेकंड बाद भी, 20 सेकंड बाद भी, यानी टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, इसका मतलब बॉडी रेस्ट में है। अगर उसका ग्राफ हम खींचें कि एक एक्सिस पे हम टाइम ले लें और दूसरी एक्सिस पे हम उसकी पोजीशन ले लें एस, जिसे हम शो कर रहे हैं, तो अगर मैं टाइम को यहाँ पे कुछ वैल्यू देता हूँ 0, 5, 10, 15, 20 और यहाँ पे डिस्टेंस मान लीजिए 5, 10, 15 इस तरह से, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी पोजीशन हर बार 10 पे ही है, बार बार 15 पे भी मैं देख रहा हूँ 10, 20 पे भी 10, ग्राफ पे निशान हम लगा सकते हैं आराम से, तो ये हमारा ग्राफ आ जाता है स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन भी कैसा, जो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ हुआ जब बॉडी रेस्ट में है। ध्यान रखेंगे इसको टाइम एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि टाइम या टाइम इधर दे देते हैं और डिस्प्लेसमेंट इधर दे देते हैं और ग्राफ को इसी तरह से खींच देते हैं, पूछ लेते हैं कि ये ग्राफ क्या शो कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसे कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि भाई ये तो रेस्ट का ग्राफ बताया था, इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। टाइम की जो वैल्यू है उसके साथ डिस्टेंस वेरी कर रही है, यानी इसी टाइम पे, ये मान लीजिए यहाँ पे 5 में कर देता हूँ, इसी टाइम पे 5 मीटर दूर है बॉडी, इसी टाइम पे मान लीजिए 10 मीटर दूर है, इसी टाइम पे मान लीजिए 15 मीटर दूर है, और एक ही टाइम पे एक ही बॉडी कहीं कहीं जगह कैसे हो सकती है, इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऐसे ग्राफ पे ध्यान रखेंगे कि ये ग्राफ डिस्टेंस वाली एक्सिस के पैरेलल है, टाइम के पैरेलल नहीं है। टाइम वाली एक्सिस के पैरेलल होगा तो फिर रेस्ट में होगा, टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही होगी। यहाँ पे टाइम चेंज नहीं हो रहा है लेकिन पोजीशन चेंज हो रही है, एक ही टाइम पे डिफरेंट पोजीशन पे कोई बॉडी हो ही नहीं सकती, इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकता। सेकेंड आते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जब हो किसी बॉडी की
तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे? तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जब बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे। यूनिफॉर्म मोशन को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह देंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो व्हेन बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, तब जो उसकी वेलोसिटी आएगी उसे कहते हैं, उसे बोलते हैं फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी का हम फॉर्मूला पढ़ ही चुके हैं, वेलोसिटी वी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्स टाइम। तो जब हर बार इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट बॉडी ट्रेवल करेगी तो हम बोलते हैं फिर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, या उसकी मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है। ऐसे में हमारा ग्राफ कैसा होगा? ये हमारी पोजीशन हो गई इस एक्सिस पे, ये हमने टाइम लिया, चलिए अलग टेबल यहाँ पे बना देता हूँ। टेबल से थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। टाइम है अपना 0, 5, 10, 15, 20, ये सब सेकंड्स में हैं, और डिस्टेंस हम ये पोजीशन हम मीटर में लेते हैं। स्टार्टिंग में मान लीजिए बॉडी जीरो से जीरो पोजीशन पे थी, 5 सेकंड टाइम, 5 सेकंड बाद वो मान लीजिए 10 मीटर पे हुई, यानी पहले 5 सेकंड्स में उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर की। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो अगले 5 सेकंड में भी 10 मीटर ही कवर करेगी, तो स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी डिस्टेंस अब हो जाएगी 10 ये, और 10 आगे कवर करके 20। अगले 5 सेकंड में फिर 10 करनी चाहिए तो 30 डिस्टेंस हो जाएगी, अगले 5 सेकंड में फिर 10 यानी 40 मीटर हो जाएगी। हर पाँच सेकंड में वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर डिस्प्लेसमेंट उसका हो रहा है। तो यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट वो ट्रेवल कर रही है। यहाँ पे कहीं भी टाइम का डिफरेंस कर लीजिए, हर बार 5 सेकंड आ रहा है, यहाँ कहीं भी डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस कर लीजिए तो 10 मीटर आ रहा है। इसका मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। तो इस तरह से ये टेबल बता रही है कि यूनिफॉर्म मोशन है, और इसका ग्राफ जब खींचेंगे तो इस तरह की स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। मान लीजिए इन टाइम इंटरवल पे हम पोजीशन देख रहे हैं, तो ये शो हो रहा है कि 5 पे 10, तो 5 पे 10 ये आ गई, 10 पे 20, 15 पे 30, और ये 20 पे 40। तो ग्राफ इस तरह से हम खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो ये शो करता है कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। अब ये तो पोजीशन और टाइम के बीच ग्राफ था, हम हेडिंग में लिख रहे हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो ग्राफ में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, तो फिर वेलोसिटी कैसे पता करें इसके ग्राफ से? ये तो पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकाली जा सकती है। हम ग्राफ पे कोई दो पॉइंट ले लें रेंडमली, ये न्यूमेरिकल भी आते हैं इस पे खूब, ग्राफ की हेल्प से वेलोसिटी निकलवाते हैं। मान लीजिए कोई भी दो पॉइंट हम रेंडमली ले लें, चाहे उनमें से एक पॉइंट हम ये स्टार्टिंग पॉइंट ही ले लें, तो इनके कोरस्पोंडिंग मान लीजिए ए और बी, ये पॉइंट मैंने लिए, इन दोनों मैं थोड़ा ए को और 5 के आसपास ले लेता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगी, और बी को मैं 20 के आसपास ले लेता हूँ। ये तो मैं देख रहा हूँ कि ए पे टाइम था 5 और डिस्प्लेसमेंट था 10, बी पे टाइम था 20 और डिस्प्लेसमेंट था 40। तो अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ तो ये मेरा एक ट्रायंगल बन जाता है, जिसको मैं कह सकता हूँ ए बी सी। तो अब ए से सी तक जो टाइम इंटरवल मेरा बनता है 2 से
20 से 5 यानी 15 सेकंड का, इसको अगर मैं डेल्टा टी कह देता हूँ, डेल्टा टी की वैल्यू मेरी हुई 20 में से 5 लेस करके 15, और सी के कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस यहाँ पे 10 मीटर, बी के कोरस्पॉन्डिंग 40, तो अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो 10 से 30 तक डिफरेंस करें तो 30 मीटर आया, तो ये मेरा हो गया डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं डेल्टा एस कह देता हूँ क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को एस कहा है, तो दो पोजीशन का डिफरेंस जो है मैं डेल्टा एस कह सकता हूँ। उसी तरह से दो टाइम का डिफरेंस डेल्टा टी कह देते हैं। और वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से इस तरह से पोजीशन टाइम ग्राफ से हम ये रेशियो अगर निकाल लें तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं जो कि हमारा हेडिंग है। अब ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री में जाऊँ तो ये जो एंगल है, इस एंगल का टेन अगर ले दिया जाए तो वो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी आ जाता है। तो फ्रॉम द ग्राफ अगर टेन थीटा की वैल्यू देखी जाए तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी आता है, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को ही हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो इस तरह से पोजीशन टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये जो एंगल ग्राफ हमारा ये है, ये बाकी तो एक्सिस हैं, तो पोजीशन टाइम ग्राफ है हमारा ये लाइन ओ से लेके और बी तक, तो इस लाइन का ये एंगल जो है एक्स एक्सिस, ये टाइम एक्सिस के साथ, इसका जो टेन हम लेते हैं उसको बोलते हैं स्लोप। तो यह है स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, और ये स्लोप आता है हमारा वेलोसिटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आता है कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ये वन मार्क का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और डायग्राम से ग्राफ की हेल्प से भी वेलोसिटी कैलकुलेट कराई जाती है, तो आप ऐसे निकाल देंगे। इसी पॉइंट का यूज आगे होने वाला है, ध्यान रखेंगे इसको कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये आगे आने वाली है। नेक्स्ट लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अभी तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, अच्छा यूनिफॉर्म वेलोसिटी को भी हम एक ही ग्राफ की फॉर्म में नहीं, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ की फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो एक बार मैं उनको बता देता हूँ, एक ग्राफ इस तरह से हो सकता है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये पोजीशन हमने यहाँ पे ली इस एक्सिस पे ली और टाइम यहाँ एक्सिस पे लिया। तो यूनिफॉर्म का मतलब है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा हमारा ग्राफ, यानी कहीं भी इस टाइम एक्सिस से हमारा एंगल चेंज नहीं होगा। अगर हमारा एंगल कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, या स्लोप कह दीजिए कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हमारी मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। बस इस ग्राफ में और इस ग्राफ में फ़र्क ये है कि ये वाला ग्राफ जीरो पोजीशन से स्टार्ट हो रहा था, और ये वाला ग्राफ भी जीरो पोजीशन तो है क्योंकि डिस्टेंस तो यहाँ पे जीरो ही है, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही है, लेकिन टाइम थोड़ा बाद में स्टार्ट हुआ है। यानी जिस टाइम पे ये स्टार्ट हुई होगी जीरो टाइम पे, ये उससे कुछ टाइम बाद स्टार्ट हुई है चलनी, लेकिन स्पीड वेलोसिटी वही है जो वेलोसिटी यहाँ पे थी। अगर ये एंगल सेम है तो जितना एंगल ये था उतना एंगल ये है, तो इस वेलोसिटी दोनों की सेम है। अगर ये एंगल चेंज होता है तो फिर वेलोसिटी भी चेंज होगी। एंगल ज़्यादा होता है तो वेलोसिटी ज़्यादा, एंगल कम हो जाता है तो वेलोसिटी कम। तो स्लोप जितना ज़्यादा किसी पोजीशन टाइम ग्राफ का, उससे पता लगता है कि वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा। दूसरा ग्राफ इस तरह से भी हो सकता है, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो जाए, वही फिर टाइम एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बना रखा है जो इसका स्लोप बन के आएगा, तो ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो यहाँ पे क्या है कि स्टार्टिंग टाइम पे बॉडी पहले से ही कुछ ओरिजिनली
कुछ डिस्टेंस पे थी हमसे, ये वाली हमारे पास ही थी बिल्कुल, जो पोजीशन हमारी थी वही बॉडी की थी, ये वाली पोजीशन तो हमारी ही थी लेकिन कुछ टाइम बाद स्टार्ट हुई चलनी, ये उसी टाइम पे चली लेकिन हमसे कुछ पहले ही दूर उसकी पोजीशन थी। तो ये तीनों ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन शो करते हैं। अब यूनिफॉर्म मोशन ये तो है पॉजिटिव वेलोसिटी जिनमें है, पॉजिटिव वेलोसिटी से मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो फिर वेलोसिटी हो जाएगी नेगेटिव। अगर हमारा स्लोप नेगेटिव हो जाता है तो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी नेगेटिव, यानी हमारा ग्राफ टाइम एक्सिस से ऊपर की ओर ना चलते हुए नीचे की ओर आना शुरू हो जाए, यानी एंगल हमारा जो टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन है उसके नीचे की साइड बनना शुरू हो जाए तो हमारा जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा, और इससे ऊपर अगर एंगल बनता है तो पॉजिटिव होता है, उसी हिसाब से फिर वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव होगी। तो एक ग्राफ में बना देता हूँ नेगेटिव वेलोसिटी के लिए, इन सब में वेलोसिटी थी हमारी पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव वेलोसिटी शो करते हैं, ये भी पॉजिटिव है जिनमें एंगल टाइम एक्सिस से ऊपर की ओर बढ़ता हो जीरो से और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नेगेटिव वेलोसिटी भी हो सकती है, नेगेटिव वेलोसिटी और वो भी यूनिफॉर्म, तब हमारा ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ जो होगा वो किसी भी पॉइंट से टाइम एक्सिस के पैरेलल जो लाइन हम कंसीडर करेंगे उससे नीचे की ओर एंगल बनाते हुए चलेगा। स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म तो है ही, स्ट्रेट लाइन शोज यूनिफॉर्मिटी, और अगर ग्राफ हमारा टाइम एक्सिस से ऊपर की ओर एंगल बनाते हुए चलता है तो पॉजिटिव वेलोसिटी, और नीचे की ओर एंगल बनाया है तो ये नेगेटिव वेलोसिटी शो करेगा। तो दिस इज नेगेटिव वेलोसिटी बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस ग्राफ में क्या है कि पोजीशन हमारी पॉजिटिव है और वेलोसिटी हमारी नेगेटिव, जीरो से ऊपर पोजीशन हम ये प्लस की साइड है, अगर जीरो से नीचे वाली साइड हम डिस्प्लेसमेंट की लेते तो ये हमारी नेगेटिव साइड होती। तो अगर ग्राफ हमारा एक ग्राफ इस तरह से हो सकता है कि ग्राफ हमारा ऐसे शुरू हो जाए, ये टाइम एक्सिस, ये डिस्प्लेसमेंट, जीरो से ऊपर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और जीरो से नीचे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी तो अब भी नेगेटिव है ही, क्योंकि टाइम एक्सिस के पैरेलल मैं लाइन खींचता हूँ तो उससे नीचे की तरफ ही एंगल बन रहा है, तो नेगेटिव वेलोसिटी तो है ही, लेकिन इसमें इनिशियल पोजीशन जो थी वो भी नेगेटिव थी, इसमें इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव थी लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव थी। कैसे भी हो सकता है, अगर आप यहाँ से भी जा सकता है, इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव हो फिर भी वेलोसिटी नेगेटिव, इस तरह से भी हो सकता है। तो ये सब नेगेटिव वेलोसिटी के ग्राफ हैं। यहाँ पे पोजीशन पॉजिटिव है लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव, यहाँ पे ये वाला ग्राफ पोजीशन पॉजिटिव है लेकिन वेलोसिटी फिर नेगेटिव, इस वाले ग्राफ में पोजीशन भी नेगेटिव और वेलोसिटी भी नेगेटिव। चलिए ये बात कुछ क्लियर हुई होगी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हमने देखी हैं, ये सब कांस्टेंट वेलोसिटी के हैं या यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह दीजिए, बस ये तीनों ग्राफ पॉजिटिव वेलोसिटी और ये दोनों, ये तीनों ग्राफ बल्कि एक दो तीन ये भी ग्राफ है, तो ये ग्राफ जो है नेगेटिव वेलोसिटी शो कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी
नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल, और वाइस वर्सा के टाइम इंटरवल इज नॉट इक्वल फॉर इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, देन द मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन और इट्स वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो उसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, सबसे पहली पहचान तो यही है। तो ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा तो फिर किसी भी शेप का आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, तो किसी भी शेप में ग्राफ आ जाएगा लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। और इन ग्राफ को हम एक बार ड्रॉ करेंगे हम, तो जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी तो उसकी वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज होगा, और जब टाइम के साथ चेंज होता है तो हम कहते हैं कि बॉडी में एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन थी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये आपने इसे पहली क्लास में पढ़ लिया होगा एक्सीलरेशन की डेफिनेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक्सीलरेटेड मोशन पहले इनको पोजीशन टाइम ग्राफ की शेप में देखते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो ये हमारी पोजीशन, ये हमारा टाइम, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती, तो ग्राफ इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होना है, बस स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। नेगेटिव साइड से भी स्टार्ट हो सकता है, यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, यहां से भी स्टार्ट होकर जा सकता है, यानी किसी भी शेप में हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ हो सकता है। इसमें हमारा टाइम के साथ साथ पोजीशन बढ़ती जा रही है। अगर हम यहाँ पे कुछ टाइम की इक्वल टाइम के मैं कुछ पॉइंट्स लगाऊँ तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ कि इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट बार बार बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, और जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तो इसका मतलब मोशन एक्सीलरेटेड है। इसके अपोजिट दूसरे ग्राफ में अगर मैं इक्वल टाइम इंटरवल पर निशान लगा के देखता हूँ तो यहाँ पर मेरा डिस्प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा है, देखिए यहाँ पर मेरा डिस्प्लेसमेंट कुछ घटा है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और तेज़ी से घटा है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और ज़्यादा घट के आया है। ये देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट घटता हुआ आ रहा है, घटने का मतलब है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है ये, तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी भी नेगेटिव हो गई और स्ट्रेट लाइन नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म हो गई। तो ये दोनों वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है इसलिए इनमें एक्सीलरेशन है। तो इसमें अगर वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है तो ये इसका मतलब है नेगेटिव एक्सीलरेशन शो कर रहा होगा, और पॉजिटिव एक्सीलरेशन शो कर रहा होगा, और इसमें हमारी पोजीशन घट रही है यानी वेलोसिटी नेगेटिव है तो ये एक्सीलरेशन हमारा नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा। जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सीलरेशन होता है, तो ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ये नेगेटिव एक्सीलरेशन, और ये वेलोसिटी है नॉन यूनिफॉर्म। अब देखते हैं कि इस नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम एक्सीलरेशन की टर्म में खींच सकते हैं क्या, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो अब हम इन ग्राफ्स को वेलोसिटी टाइम ग्राफ की टर्म में खींचते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ काफ़ी हो चुकी हैं, अब लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
तो पहले लेते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होगी, ड्राइवर स्पीड नहीं घटा बढ़ा रहा होगा एक ही डायरेक्शन में। जब डायरेक्शन चेंज होती है तो फिर वेलोसिटी चेंज होती है, तो सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड रखा होगा वेलोसिटी का, या ये कह दीजिए कि डायरेक्शन अगर चेंज नहीं होती स्ट्रेट लाइन में तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम होती हैं, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम होते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, और 5 सेकंड बाद भी 10, 10 सेकंड बाद भी 10, 15 सेकंड बाद भी, 20 सेकंड बाद भी, जब भी टाइम देख रहे हैं तभी उसकी वेलोसिटी सेम है। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचता हूँ यहाँ पे, तो अब की बार ग्राफ फिर ऐसे आ जाना चाहिए कि मान लीजिए ये 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, और टाइम की वैल्यू मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 0, 5, 10, 15, 20। तो 0 टाइम पे देख रहा हूँ तब भी मेरी वेलोसिटी 10 आ रही है, 5 पे देख रहा हूँ तब भी 10, हर बार हर टाइम पे वेलोसिटी 10 है। तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब है ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। यही ग्राफ जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, याद कीजिए, पोजीशन टाइम ग्राफ में खींचा था तो वहाँ पे ग्राफ आया था इस तरह से। ये एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ दोनों ड्रॉ कीजिए। तो जब पोजीशन टाइम ग्राफ थी तो वहाँ इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखते हुए। तो जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो वेलोसिटी का ग्राफ इस तरह से आएगा। ये ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ में रेस्ट के लिए आया था, यहाँ पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी, यहाँ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, जो क्वांटिटी चेंज नहीं होगी वो ना तो उसका ग्राफ ऊपर को चलेगा ना नीचे को चलेगा। ऊपर को चलेगा तो वैल्यू चेंज होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू कुछ थी, यहाँ पे वैल्यू कुछ हो जाएगी, यहाँ पे कुछ हो जाएगी, यहाँ पे कुछ हो जाएगी। तो अगर ना ऊपर जा रहा है ग्राफ ना नीचे, तो इसका मतलब है कि ये वाली क्वांटिटी कॉन्स्टेंट रही। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कॉन्स्टेंट था जिसको हमने कहा था रेस्ट पोजीशन, और ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये बातें याद रखेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ ये, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस तरह से। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेकंड। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ अब स्टार्ट करते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है उसमें एक्सीलरेशन होना, और एक्सीलरेशन एक बार पॉजिटिव एक्सीलरेशन के लिए देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन एक्सीलरेशन पॉजिटिव। जिस तरह से पोजीशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी पॉजिटिव होती थी तो टाइम एक्सिस से एंगल ऊपर की ओर होना चाहिए था, स्लोप ये वाला एंगल, स्लोप जिसे बोलते थे, जिसके टेन थीटा को स्लोप बोलेंगे, और नेगेटिव वेलोसिटी थी तो इस ग्राफ से नीचे की ओर होना चाहिए था। सेम केस यहाँ पे है, बस पोजीशन टाइम ग्राफ में यहाँ पे पोजीशन और यहाँ टाइम लेते थे हम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहाँ वेलोसिटी ले लेंगे। तो अगर ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन, और ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है तो नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो इसमें अगर ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन है और वो भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, वीटी ग्राफ विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और वो यूनिफॉर्म भी पॉजिटिव एक्सीलरेशन, तो हमारा ग्राफ उसी तरह से हो जाना चाहिए। ये वेलोसिटी है हमारी इस एक्सिस पे, ये टाइम, तो ग्राफ यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन तो आएगा ही। यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती तो यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ होता, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा।
उसी तरह से जरूरी नहीं है कि जीरो से ही स्टार्ट हो ग्राफ, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, वेलोसिटी इधर ले हम, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, और यहाँ से तो पहले हम ले ही चुके हैं। तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए टाइम एक्सिस के साथ, कहीं भी उसका एंगल चेंज ना हो। हम किसी भी पॉइंट पे टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच के देख लें, हमारा अगर एंगल अगर वही आ रहा है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी उसकी, एक्सीलरेशन उसका यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, यहाँ पे बढ़ के इतनी हो गई, यहाँ पे बढ़ के इतनी हो गई, यहाँ पे बढ़ के इतनी हो गई, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है। एक्सीलरेशन मीन्स इस एंगल का थीटा, जो अभी पोजिशन टाइम ग्राफ से जैसे हमने वेलोसिटी निकाली थी उसी तरह से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सीलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसी तरह से अगर यहाँ पे दो पॉइंट ले लिए जाएं ए और बी, उन्हीं के कोरस्पोंडिंग दो टाइम की वैल्यू देख ली जाए, मान लीजिए ये टी वन ये टी टू, इन इस ग्राफ को मैं आगे बढ़ा देता हूँ इस तरह से, ये टाइम डिफरेंस हमारा हो गया मान लीजिए डेल्टा टी। उसी तरह से ए के कोरस्पोंडिंग वेलोसिटी वी वन मान लेते हैं, बी के कोरस्पोंडिंग वी टू मान लेते हैं, तो इन दोनों वेलोसिटी का डिफरेंस यहाँ से यहाँ शो कर सकते हैं हम बी से सी तक डेल्टा वी। अब ये जो एंगल आया इसका अगर टेन थीटा लें हम फ्रॉम ग्राफ, टेन थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी ये परपेंडिकुलर यानी डेल्टा वी जो चेंज इन वेलोसिटी शो कर रहा है, और ये नीचे वाला जो डिफरेंस है वो हमारा टाइम का डिफरेंस शो कर रहा है। तो ए से लेके बी तक चेंज इन वेलोसिटी हुआ डेल्टा वी और चेंज इन टाइम हुआ डेल्टा टी, जिसको टाइम इंटरवल बोल सकते हैं। तो ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये हमारा होता है एक्सीलरेशन, पढ़ा हुआ है। तो यही हमारा है एक्सीलरेशन, और ये बोला जाता है ग्राफ का स्लोप। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बात निकल के आई कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। तो पोजीशन टाइम ग्राफ से स्लोप निकाला था तो वेलोसिटी आई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्लोप निकाला तो एक्सीलरेशन आया। तो फिलहाल ये ग्राफ था पॉजिटिव एक्सीलरेशन का, तो टाइम एक्सिस से जब भी ऊपर की ओर ग्राफ चलेगा पॉजिटिव एंगल के साथ तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन रहेगा। अब निगेटिव एक्सीलरेशन अगर हो जाए पहले, निगेटिव एक्सीलरेशन से पहले यहाँ मैं एक बात और बता दूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से हम निकाल सकते हैं एक्सीलरेशन, और इसका सेकंड पार्ट यहाँ बता देता हूँ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया कैलकुलेट करें तो हमारा आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ करता हूँ इधर सेकंड, एरिया ऑफ वी टी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ये यहीं पे ठीक रहेगा बताना, आगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन लेके चलेंगे फिर। इससे भी सिंपल पहले ये एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ, फिर इस पे भी आऊँगा। ये हमारा वेलोसिटी, ये टाइम, और अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट रही होती तो हमारा ग्राफ आया था ये। अगर मैं इस ग्राफ पे दो पॉइंट लेता हूँ ए और बी, इनके कोरस्पोंडिंग दो टाइम लेता हूँ टी वन और टी टू, तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा जो कवर्ड एरिया है ये टाइम एक्सिस तक का एरिया, ये एरिया जो वैल्यू देगा वो होगी ए से बी तक बॉडी ने जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया टी वन से लेके टी टू टाइम तक, इन इस टाइम इंटरवल में। तो यहाँ पे ए से बी तक वेलोसिटी तो यही रही वी, यानी ए से बी तक अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू लिखता हूँ
तो ये वेलोसिटी यहाँ भी वी थी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये, और यहाँ भी वी ही थी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का टाइम का डिफरेंस हमारा आ गया डेल्टा टी। ये भी कह दीजिए चाहे डेल्टा टी, और ये एक रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी शेप आपको लग रही हो एक शेप बन गई है, और इसका अगर एरिया हम निकालते हैं तो दो साइड की मल्टीप्लाई करके एरिया आ जाता है। तो फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम द वी टी ग्राफ, एरिया हमें शो हो रहा है कि एक साइड है इसकी वी और दूसरी साइड है डेल्टा टी। अभी वी इंटू डेल्टा टी पे विचार करते हैं कि ये क्या है। इससे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे बता के आया था ये बात कि ध्यान रखना है, दोबारा फिर आ जाता हूँ वहाँ पे, कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ मैंने खींचा है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ ये था, यहाँ पे जब हमने दो पॉइंट मान के स्लोप निकाला था तो ये क्या आया था स्लोप हमारा, टेन थीटा इक्वल टू ये डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस आया था डेल्टा एस और ये डेल्टा टी, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी आया था, और इसको हमने बोला था वेलोसिटी। अगर ये वेलोसिटी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, सेम बात है दोनों की, ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, यहाँ से हमने वेलोसिटी निकाली, यहाँ से हमने एरिया निकाला, एरिया में वेलोसिटी यूज हुई तो वेलोसिटी की वैल्यू वहाँ से निकाल के रखी, तो क्या आता है v की वैल्यू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा टी की मल्टीप्लाई की तो क्या आया डिस्प्लेसमेंट। ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट जितना कवर हुआ इस यूनिफॉर्म मोशन वाली बॉडी के द्वारा वो था डिस्प्लेसमेंट के बराबर, एरिया के बराबर। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ये भी स्टेटमेंट, और यहाँ पे स्लोप वाली बात आ गई थी, तो दोनों पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से भी अगर ए से बी तक का मैं एरिया कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये ए से बी तक के एरिया में फिर यहाँ से यहाँ तक का आएगा, टाइम एक्सिस तक का पूरा एरिया कवर होगा, ये ए से बी तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो वो ये पूरा एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा T1 से T2 टाइम तक का कह दीजिए, या ग्राफ में A से B तक का डिस्प्लेसमेंट कह दीजिए। चलिए ये इंपॉर्टेंट बात हुई। अब आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ऐसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिनमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो, यानी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही हो, तो इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट शेप आ सकती हैं, इस तरह की शेप आ जाए, टाइम के साथ वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, अगर मैं टाइम के इक्वल निशान लगाता हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वेलोसिटी शो हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी में इतना चेंज आया है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ ज़्यादा चेंज हुई है, यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज और भी ज़्यादा आया, और यहाँ पे तो वेलोसिटी में बहुत बड़ा चेंज आया। तो यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल में हम देख रहे हैं वेलोसिटी में चेंज पॉजिटिव साइड बढ़ता जा रहा है, यानी वेलोसिटी पॉजिटिवली बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन है और नॉन यूनिफॉर्म है। इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी में चेंज होता तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल में नॉन अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, और वो भी पॉजिटिव साइड। ग्राफ कुछ इस तरह से भी हो सकता था, इस तरह से भी हो सकता है, यहाँ पे हम
ये वेलोसिटी ग्राफ हो एक्सिस हो गई हमारी, ये टाइम एक्सिस हो गई। तो यहाँ पे अगर मैं इक्वल टाइम पे निशान लगाता हूँ तो ये देख रहे हैं हम कि यहाँ पे वेलोसिटी ये, यहाँ पे वेलोसिटी हमारी कुछ कम घटी है, यहाँ वेलोसिटी हाईएस्ट थी, ये घटी, ये और तेज़ी से घटी, यहाँ पे और घटी है, ये और घटी है, यहाँ पे एक्सीलेशन वेलोसिटी घटती आ रही है। जब वेलोसिटी घटती है यानी निगेटिव साइड वेलोसिटी है तो हमारा एक्सीलेशन निगेटिव हो जाता है। अगर यहाँ पे मैं स्लोप की भी बात करूँ तो टाइम एक्सिस के पैरेलल से हम देखिए हमारा ग्राफ नीचे की ओर कुछ एंगल बना रहा है, और यहाँ पे अगर हम किसी भी पॉइंट पर देखें तो टाइम एक्सिस से हमारा ग्राफ ऊपर की ओर एंगल बना रहा था। तो ये हमारा पॉजिटिव एक्सीलेशन शो कर रहा है और ये निगेटिव एक्सीलेशन शो कर रहा है, निगेटिव साइड चल रहा है। अगर कोई ग्राफ इस तरह से आपके सामने आए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो यहाँ से हम क्या रिजल्ट शो करेंगे? इस पॉइंट पे जाके देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होनी बंद हो गई है, यानी ये कांस्टेंट वेलोसिटी हो चुकी है। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ए लिखूँ, ए से बी तक, ये मेरी है कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है, तो यहाँ से यहाँ तक बॉडी में है एक्सीलरेशन। जहाँ तक बॉडी वेलोसिटी चेंज हो रही है एक्सीलरेटेड मोशन है, और जहाँ वेलोसिटी चेंज होना बंद हो गई है ए से बी तक, वो हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या फिर अगर यहाँ से यहाँ तक एक्सीलरेशन की बात की जाए तो एक्सीलरेशन हो चुका है जीरो। जहाँ वेलोसिटी में चेंज होना बंद हो जाए वहाँ एक्सीलरेशन जीरो। इसी से जो हमारा फर्स्ट वाला ग्राफ आया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ, ये यहाँ पे भी हम कह सकते थे एक्सीलरेशन जीरो। अब एक्सीलरेशन मैंने बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है एक्सीलरेशन, तो अगर ये एंगल ही जीरो हो जाए, जीरो कब होगा? जब ये वाली लाइन और इसके पास आ जाए, टाइम एक्सिस के और पास आ जाए, एंगल छोटा होता चला जाएगा, ये और छोटा होता चला जाएगा, और अगर इसके पैरेलल ही आ जाए तो ये एंगल हो जाता है फिर जीरो, और स्लोप हो जाएगा टेन जीरो की वैल्यू जीरो, यानी वेलोसिटी भी वो एक्सीलरेशन भी जीरो। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो एक्सीलरेशन जीरो। यहाँ भी उसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ है और ग्राफ वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल है, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? तो यहाँ भी वही लिखेंगे हम, नॉट पॉसिबल। पोजीशन टाइम ग्राफ में भी ये बात आई थी, एक ही टाइम पे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी दिखाई दे रही हैं, उसी टाइम पे 10 की वेलोसिटी, उसी टाइम पे 20, उसी टाइम पे 30, एक ही बॉडी की वेलोसिटी एक ही टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट कैसे हो सकती हैं? तो ये पॉसिबल नहीं है ग्राफ, और इसमें एक्सीलरेशन जीरो शो हो रहा है। पॉसिबल है तो एक्सीलरेशन जीरो है। तो ये ग्राफ आप कुछ समझ गए होंगे। नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं अपना, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम इंटरवल।
अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट एस हुआ हो, टोटल टाइम इंटरवल टी रहा हो, या किन्हीं दो पोजीशन के बीच डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू डेल्टा एस और टाइम का इंटरवल डेल्टा टी रहा हो, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे सब ग्राफ की बात हो रही है, तो ग्राफ से एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? इसी तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिट की अगर बात करें तो वही मीटर पर सेकंड रहने वाली है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बहुत छोटे टाइम इंटरवल पे जो वेलोसिटी कही जाती है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी एट एनी इंस्टेंट, वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल जिसमें इंक्लूड होता हो, होती वो एवरेज वेलोसिटी ही है, लेकिन वो एवरेज वेलोसिटी बहुत थोड़े टाइम इंटरवल के लिए होगी, तो उसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है एक बार मैं अभी बताऊंगा, पहले इसको लिखवा देता हूं। तो इट इज एवरेज वेलोसिटी फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, बहुत थोड़े टाइम इंटरवल के लिए जब एवरेज वेलोसिटी निकाली जाए किन्हीं दो पोजीशन के बीच की, तो फिर उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसमें जो टाइम इंटरवल है वो लगभग जीरो के आसपास हो जाता है, बिल्कुल जीरो तो नहीं होता लेकिन वेरी क्लोज टू जीरो, वेरी इन्फाइनाइट स्मॉल बोल देते हैं उसको। तो उस केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला इस तरह से लिखते हैं, वी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि लगभग लगभग जीरो के आसपास है, तो उस टाइम जो भी डिस्प्लेसमेंट रहा हो उस टाइम इंटरवल के लिए, उस डिस्प्लेसमेंट और उस टाइम इंटरवल के रेशो को हम बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको दूसरे तरह से डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है डी एस अपॉन डी टी। अगर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो नहीं लिखते तो वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एस और वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी, यूनिट फिर भी वही रहेगी मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं कि एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन कैसे किया जाए, क्या होती है ये एवरेज वेलोसिटी। मान लीजिए कोई बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से कवर करती है, मान लीजिए यहाँ पे 20 की स्पीड रही, यहाँ पे 30 की स्पीड रही, यहाँ पे मान लीजिए 60 की स्पीड रही, और इन डिफरेंट डिफरेंट स्पीड के डिस्टेंस निकाल के उनके टाइम निकाल के हमने किसी तरह से एवरेज वेलोसिटी निकाली मान लीजिए, तो इन सब में जितना टाइम लगा, मान लीजिए 2 घंटे लगे ए से बी तक पहुंचने में, तो एवरेज वेलोसिटी ना 20 ना 30 ना कुछ, इनकी जो वैल्यू आएगी एवरेज वैल्यू वो वैल्यू होगी जिससे स्टार्ट से लेके और लास्ट तक अगर उसी स्पीड से चला जाता तो टाइम उतने ही 2 घंटे लगते। तो एवरेज वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिससे टोटल डिस्टेंस कवर करने में उतना ही टाइम लगता जितना उस डिस्टेंस को उस वेरिएबल वेलोसिटी से ट्रेवल करने में टाइम लगा, तो ये कहलाती है एवरेज वेलोसिटी। इस एवरेज वेलोसिटी को हम ग्राफ से कैसे निकालेंगे? दोनों को ही निकालेंगे एक बार, पहले एवरेज वेलोसिटी बता देता हूं। इसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींचते हैं। मान लीजिए हमारा ग्राफ आता है इस तरह से, तो हम कोई दो पोजीशन लेते हैं, पोजीशन ए और पोजीशन बी। ए पॉइंट पे हमारी पोजीशन ये है मान लीजिए S1, और बी पॉइंट पे हमारी पोजीशन है मान लीजिए S2। ए पे हमारा टाइम है मान लीजिए T1 और बी पे हमारा टाइम है T2। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला हमें पता है कि उस ग्राफ का स्लोप अगर हम पता कर लें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, तो हमारी वेलोसिटी आ जाए। अब स्लोप
कैसे निकालें, ये कोई स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। स्ट्रेट लाइन तब होती जब ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में ही एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती शुरू से लास्ट तक तो वही एवरेज वेलोसिटी होती। एवरेज वेलोसिटी वही तुम्हें बताया है अभी कि एवरेज वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो शुरू से लास्ट तक अगर वही उसी वेलोसिटी से मोशन होती तो फिर टाइम उतना ही लगता जितना उसी डिस्टेंस को वेरिएबल वेलोसिटी से ट्रेवल करके लगता। तो यहाँ पे स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं कि ए से बी को स्ट्रेट लाइन से हम कनेक्ट करते हैं, ये और इस लाइन का टाइम एक्सिस के साथ स्लोप निकाल लेते हैं। तो ए से बी तक, क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन ये खींची है, तो ए से बी तक का हमारा स्लोप चेंज नहीं हुआ, और स्लोप चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब ये ए बी ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन के रूप में है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रहा होगा ए से बी तक की। यानी ए से बी तक अगर एक ही स्पीड से, एक ही वेलोसिटी से जाते हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो वो टाइम उतना ही लगाती टी वन से टी टू तक का जितना इस वेरिएबल स्पीड से जाके टाइम लगा, और उसी को हम बाई डेफिनेशन बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम किन्हीं दो पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करके और उसका स्लोप निकाल लेंगे, हमारी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो अगर यहाँ ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट मेरा बनता है डेल्टा एस, ये दोनों का डिस्प्लेसमेंट, दोनों डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, और यहाँ से यहाँ तक टाइम का मेरा डिफरेंस बनता है डेल्टा टी, तो यहाँ से मेरी एवरेज वेलोसिटी आ जाती है वी, जो होती है स्लोप के बराबर। स्लोप होता है इस एंगल के 10 के बराबर। स्लोप निकालने के लिए टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच के उसे एंगल देखा कितना बना, और ये हमारा हो गया डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो इस तरह से हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकाली जाए ग्राफ से ऐसे ही। वही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब की बार ए और बी को लार्ज टाइम इंटरवल पे नहीं रखना है। मैंने कहा था किसी भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो अगर ए और बी बहुत छोटे टाइम इंटरवल पे आ जाएं, ए और बी मान लीजिए यहाँ आ गए, ए और बी की जो पोजीशन है उनके बीच का टाइम इंटरवल इतना छोटा है, बहुत छोटी वैल्यू है, और उसके कोरस्पोंडिंग हमारा डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटी वैल्यू का है ds। तो इस टाइम अगर मैं यहाँ छोटा सा ट्राइंगल बनाऊँ तो वो इतना छोटा बनेगा कि a और b लगभग पास पास ही हैं। डायग्राम में मैंने अभी भी बहुत दूर दूर दिखाए हैं, बहुत ही वेरी क्लोज हैं वो। तो उस केस में जो टेंजेंट आएगी इन a और b को जोड़ने वाली लाइन, वो लगभग स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, और ए और बी इतने नज़दीक हैं कि लगभग एक ही पॉइंट के आसपास हैं बहुत। तो उस पॉइंट पे अगर टेंजेंट हमारी टाइम एक्सिस से जो एंगल बनाती है तो उसका जो स्लोप होगा वो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू देगा, और एवरेज वेलोसिटी किन्हीं दो पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमें एवरेज वेलोसिटी देगा। तो ये हमारे ग्राफ कंप्लीट हुए यहाँ पे। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं नोट करा देता हूँ। देखिए अगर ग्राफ हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से आ जाए,
ये हमारा वेलोसिटी एक्सिस हुई और ये हम टाइम एक्सिस लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है, ये टाइम हम ले लेते हैं यहाँ पे 2, 4, 6, 8 सेकंड्स टाइम हमारा सेकंड में है और वेलोसिटी हमारी मीटर पर सेकंड में है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो बातें पूछी जा सकती हैं। ये छोटा सा एग्जांपल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ बातें इसमें स्पेशल आएंगी। इन द डायग्राम फाइंड डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, चलिए फाइंड नंबर वन डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 4 to 8 सेकेंड्स, थर्ड लेते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब है 0 to 8 सेकेंड्स और फोर्थ पार्ट हम इसमें करते हैं कि टोटल डिस्टेंस बताइए। यहाँ से बड़ी इम्पोर्टेंट बातें जो मैं बताना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से, तो उनको बातों को देखेंगे। पहली बात तो ये डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी पॉजिटिव साइड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया हम निकालेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया ही डिस्प्लेसमेंट शो होता है, तो ये हमारी हुई पॉजिटिव वेलोसिटी, तो यहाँ का एरिया भी हम पॉजिटिव लेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का टाइम एक्सिस से ऊपर की तरफ का एरिया पॉजिटिव लिया जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, और नीचे की नेगेटिव साइड के एरिया को हम नेगेटिव लेंगे, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा नेगेटिव। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन करके बताता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स का मतलब 0 to 4 सेकेंड्स, तो यहाँ पे टाइम हमारा आ रहा है 0 to 4 सेकेंड और वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो 0 to 10, तो एरिया हो गया, दो साइड की मल्टीप्लाई करता हूँ 10 into 4, तो डिस्प्लेसमेंट 0 to 4 सेकेंड्स जो डिस्प्लेसमेंट हमारा आएगा वो होगा एरिया के बराबर, इक्वल टू एरिया 10 into 4, यानी 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, एरिया नहीं। फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट हमें पूछा गया है कि 4 to 8 सेकेंड्स, 4 से लेके 8 सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट 4 to 8 सेकेंड्स, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो हमारा एरिया आएगा 4 to 8 सेकेंड्स, हमारा टाइम कितना हो गया 4 सेकेंड का डिफरेंस हो गया, और यहाँ पे हमारी वेलोसिटी क्या हुई 0 to -10, तो ये आ गया हमारा -40 मीटर। फिर थर्ड पार्ट में पूछा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा प्लस का 40 ऊपर की ओर, माइनस का 40 नीचे की ओर, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 0। सेकंड पार्ट का आंसर ये, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये। फोर्थ पार्ट में पूछी है टोटल डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी निगेटिव होती नहीं, तो इसलिए निगेटिव साइड का जो एरिया आया है अगर इसको हम डिस्टेंस कंसिडर करेंगे तो इसको फिर हम पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। तो फोर्थ पार्ट में बिकॉज डिस्टेंस इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी,
देयरफोर टोटल डिस्टेंस जो हमारा 40 मीटर पहले आया था और जो माइनस 40 आया उसका भी हम केवल मैग्नीट्यूड ले लेंगे, इसको ऐसे शो कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट प्लस प्लस करके जोड़ दीजिए। तो डिस्टेंस टोटल हुई हमारी 80 मीटर। तो इसी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो जीरो आ रहा है और डिस्टेंस निकालते हैं तो 80 आ रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू वेरी मच। इस तरह के क्वेश्चन और भी न्यूमेरिकल लेके अगले वीडियो में आएंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।